Dear students, let me start lesson number 2, addition of two digit numbers. ये normal addition है जो हम first standard में करके आए हैं, यहाँ पे अभी carry forward नहीं आए हैं. Let me start, see the pictures. The first picture is Ankur has 13 mangoes, second picture is Neha has 11 mangoes. तो इन दोनों का addition करना है हमें. Now आप देखिए 1 3 13 plus 1 1 11, इनको सबसे पहले ones की place का हम addition करेंगे. तो वंस की प्लेस पे 3 प्लस 1 यानी 4 एंड टेंस की प्लेस पे 1 प्लस 1 यानी 2, यानी टोटल हुए 24. 13 प्लस 11 आर कॉल्ड अडेंट, इसको एडिशन यानी सम बोलते हैं. नाउ लेट मी स्टार्ट एक्टिविटी फर्स्ट वन एंड द क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको 26 प्लस 33 का एडिशन करना है. हम सबसे पहले वंस की डिजिट देखेंगे, 6 प्लस 3 यानी टोटल करेंगे 9 एंड 2 प्लस 3 टेंस की डिजिट, उसमें आएगा 5 यानी 59. द लास्ट क्वेश्चन इज टेंस और वंस का देखेंगे, उसमें सबसे पहले वंस की डिजिट देखेंगे 34, और 53 में द वंस की डिजिट है 4 प्लस 3. 4 प्लस 3 को हम टोटल करेंगे, 4 के बाद 3 को हम 4 के अंदर ऐड करेंगे यानी 5 6 7. तो आंसर आएगा वंस की प्लेस पे 7, और 3 जो टेंस में है उसके नीचे 5 दिया है तो 3 में हम 5 ऐड करेंगे. तो आंसर आया 8, टोटल हुआ 87. तो इसी अकॉर्डिंग आपको एडिशन कंप्लीट करने हैं और बाकी के सम है वो आप टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना. थैंक यू. डियर स्टूडेंट्स, लेट मी स्टार्ट एक्टिविटी 2, वर्ड प्रॉब्लम. इसमें आपको क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम यानी स्टोरी सम ही है ये, इसको हम सॉल्व करेंगे. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन माई क्लास देर आर 42 बॉयज एंड 35 गर्ल्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है टेंस और वंस की प्लेस पे 42 बॉयज जो है तो 4 टेंस पे, 2 वंस पे, एंड 35 गर्ल्स में 3 टेंस पे, 5 वंस पे. तो हम सबसे पहले, मैंने आपको बोला था एक्टिविटी 1 में कि सबसे पहले हम वंस डिजिट जो है उसका कैलकुलेशन करेंगे, एडिशन करेंगे. तो 2 प्लस 5 करेंगे, तो 2 प्लस 5 द आंसर इज 7. आफ्टर दैट टेंस का करेंगे, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, द आंसर इज 77. तो देयर आर 77 स्टूडेंट्स इन द क्लास. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, ज्योति मेक्स अ नेकलेस यूजिंग 37 वाइट बीड्स एंड 20 पिंक बीड्स, हाउ मेनी बीड्स आर देयर इन द नेकलेस. तो सबसे पहले टेंस और वंस की प्लेस हम राइट करेंगे, तो उसमें राइट करेंगे ज्योति के पास 37 वाइट बीड्स है, तो 37 यानी 3 टेंस की प्लेस पे, 7 वंस की प्लेस पे, प्लस 20 पिंक बीड्स है, तो 2 टेंस की प्लेस पे, 0 वंस की प्लेस पे. उसके बाद हम क्या करेंगे, वंस पे जो है उस डिजिट को ऐड करेंगे. नाउ 7 प्लस 0 द आंसर इज 7 एंड 3 प्लस 2 द आंसर इज 5. तो टोटल नंबर ऑफ बीड्स इज 57. इसी अकॉर्डिंग जब कभी आप एडिशन करते हो तो टोटल ऑल टुगेदर और मोर देन, ये जो प्लस आता है वो प्लस के लिए आता है, एडिशन के लिए आता है. तो इसी अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है, जो आप टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेना. डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडिशन प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे. नाउ प्रॉपर्टीज 1, ऑर्डर इन एडिंग टू नंबर्स. सी, 6 फ्लावर्स आपको दिए हैं प्लस 2 फ्लावर दिए हैं, देन टोटल फ्लावर इज 8, राइट. एंड सेकेंड थिंग, अगर 2 फ्लावर्स हम पिक्चर्स में फर्स्ट रखेंगे और 6 फ्लावर बाद में रखेंगे, देन आंसर इज अगेन 8. यानी 6 प्लस 2 कीजिए तो भी आंसर 8 आता है, और 2 प्लस 6 करो तो भी आपका आंसर 8 ही आता है. यानी द नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, द सम विल बी सेम इन बोथ द केसेस. तो ऑर्डर इन एडिंग टू नंबर्स में आप प्रॉपर्टीज को कैसे, यानी 6 प्लस 2 करो या 2 प्लस 6 करो, आंसर 8 ही होता है. प्रॉपर्टी सेकेंड, ऑर्डर इन एडिंग थ्री नंबर्स. तो यहाँ पे आपको देखो 1 प्लस 5 ब्रैकेट में दिया है, प्लस 2 इज इक्वल टू 6 दिया है. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, थ्री डिजिट नंबर जब भी मिलता है, जब आपको ब्रैकेट में जो नंबर्स होता है तो उसका एडिशन करना होता है. तो 1 प्लस 5 को ऐड किया हमने तो 6 आ गया, प्लस 2 एज इट इज इक्वल टू 8 आंसर. एंड 1 प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 एज इट इज रखेंगे, प्लस 5 प्लस 2 जो हमें दिया है ब्रैकेट में उसको हम ऐड करेंगे 7 इज इक्वल टू आंसर इज 8.
वन प्लस टू ब्रैकेट में है प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू एट. द नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर. द सम विल रिमेन द सेम इन ऑल द केसेस. यानी आप जो ब्रैकेट वाले सम नंबर्स है उसको आप फर्स्ट में रखो सेकेंड में रखो बट उसका आंसर सेम आता है. तो ये प्रॉपर्टीज आपको ये सिखाती है. नाउ प्रॉपर्टीज थर्ड, एडिंग जीरो. जीरो को ऐड करने वाली प्रॉपर्टीज है. व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर द सम इज द नंबर इट्सेल्फ. फॉर एग्जांपल सिक्स प्लस जीरो आप करेंगे तो आंसर आप सिक्स ही पाते हो. सिक्स प्लस जीरो का आंसर सिक्स होता है. फाइव प्लस जीरो करेंगे तो आंसर फाइव होता है. इसी अकॉर्डिंग फिफ्टीन प्लस जीरो करेंगे देन आंसर इज फिफ्टीन. तो ये एडिशन प्रॉपर्टीज थी जीरो की. एंड फोर, एडिंग वन. एडिंग वन यानी आप जब कभी वन को किसी भी डिजिट के साथ प्लस करते हैं तो आप वन मोर नंबर पाते हैं. फॉर एग्जांपल सेवन प्लस वन करेंगे तो वन ऐड करके एट आएगा और ट्वेंटी थ्री में हम वन ऐड करेंगे तो ट्वेंटी फोर आएगा. व्हेन वन इज एडेड टू अ नंबर द सम इज द नेक्स्ट नंबर ऑन द नंबर लाइन. यानी जब कभी आप किसी भी डिजिट में वन ऐड करते हो तो आपका नंबर उससे वन प्लस होता है यानी एक ऐड होता है. तो ये थी आपकी एडिशन प्रॉपर्टीज. नाउ नेक्स्ट हम एक्टिविटी थ्री में देखेंगे इसका किस अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिविटी थ्री के स्टडी करेंगे एंड को उसमें आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स और एडिशन फैक्ट्स है. बट अगर हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ का वीडियो जो था, जो आपने ना देखा हो तो एक बार रिमाइंड कर लेना और देख लेना. उसी के आधार पे आपको ये इजीली आपको आ जाएगी ये. तो लेट मी स्टार्ट एक्टिविटी थ्री, क्वेश्चन नंबर वन, फिल इन द ब्लैंक्स. तो ए, फाइव प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू फोर प्लस फाइव. तो आप यहाँ पे देखिए कि फाइव प्लस क्या ऐड करते हैं इज इक्वल टू फोर प्लस फाइव होता है. तो सबसे पहले आप देखिए फाइव बोथ आर दोनों जगह पे फाइव सिमिलर है. दोनों जगह पे फाइव आपको दिया है बट फोर यहाँ पे है राइट साइड. लेफ्ट साइड आपका फिल इन द ब्लैंक्स में फोर नहीं है तो जो मिसिंग है वो यहाँ पे हमें राइट करना होता है. तो ये फोर हम वहाँ पे राइट किया है. सी, एट प्लस ब्रैकेट में सिक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ब्रैकेट में फिल इन द ब्लैंक्स प्लस सिक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस फाइव. तो ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी एडिंग थ्री नंबर्स वाली प्रॉपर्टीज, ये उसी का सम है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो एट फिल इन द ब्लैंक्स में एट आएगा. वो कैसे आएगा, तो सिक्स और फाइव मिसिंग नंबर में से सिक्स प्लस फाइव बोथ आर हियर, दोनों यहाँ पे है बट एट नहीं था इसलिए एट हम यहाँ पे राइट करेंगे. तो ई, ट्वेंटी थ्री प्लस फिल इन द ब्लैंक्स प्लस टेन एंड 23 प्लस 16 ब्रैकेट क्लोज प्लस 10. यहाँ की प्रॉपर्टीज़ में आप देखिए कि ब्रैकेट में आपका क्या मिसिंग है, तो लेफ्ट साइड 16 मिसिंग है. राइट साइड आपको 16 प्रॉपर्टी ब्रैकेट में दी थी, यहाँ पे 16 नहीं है इसलिए हम 16 वहाँ पे आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर टू, कंप्लीट द यूजिंग एडिशन फैक्ट. तो एडिशन फैक्ट में मैंने आपको बताया था कि व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर द सम इज द नंबर इटसेल्फ. तो फर्स्ट में क्या है, 18 प्लस जीरो इज इक्वल टू नंबर इज 18, सेम आएगा. बी में क्या है, 29 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू 29. तो 29 आंसर कब आता है, जब हम जीरो करते हैं. तो 29 प्लस जीरो करना है आपको और बाकी के जो सम है वो आप उसी प्रॉपर्टीज के आधार पे कर लेना. ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स विथ रीग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे. एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर विथ रीग्रुपिंग, इसमें आपको कैरी फॉरवर्ड आएगा. वो सिंपल वाले जो थे वो नहीं है ये, बट बहुत इजी है ये. तो सबसे पहले आप देखिए, तो यहाँ पे ऐड 70 प्लस 49 दिया गया है आपको. सबसे पहले हम, आप जानते हो कि हम टेंस वंस मेंशन करते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम एडिशन में 100 टेंस और वंस की प्लेस राइट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन 70. तो 7 टेंस से 0 वंस से प्लस 4 टेंस से 9 वंस से तो 49. तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो वंस को ऐड करेंगे. तो 0 प्लस 9
इज इक्वल टू द आंसर इज 9। उसके बाद में क्या करेंगे, टेंस का हम देखेंगे। तो टेंस में क्या है, 7 + 4, तो 7 tens + 4 tens इज इक्वल टू 11 tens आए। 11 tens जो आए उसमें आप देखिए तो 1 1 11 होता है, जिसमें 10 tens है प्लस 1 10 है। तो 1 जो है टेंस की पोजीशन पे वो 1s हो जाएगा, यानी 1 जो है उसको हम 7 + 4 में 11 का जो 1s की प्लेस वाला 1 है उसको 1 में नीचे रखेंगे और 100 की प्लेस पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 100 की प्लेस पे 1 जो हमने कैरी फॉरवर्ड की वो उसको हम 100 बोलते हैं। तो 119 उसका आंसर आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडिशन ऑफ 2-digit नंबर्स विथ रीग्रुपिंग करेंगे और इसके बारे में मैंने आपको बताया इससे पहले वीडियो में, तो एक्टिविटी 4 हम स्टार्ट करेंगे। नाउ यहाँ पे आप देखिए 100 tens और 1s आपको दिए हैं, तो 5 tens पे है, 9 1s पे है, प्लस 6 tens पे है, 1 1s पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, तो 1s की जो डिजिट है उसको हम ऐड करेंगे। तो 9 + 1 टोटल कितने हुए, 10 1010। यानी 1010 में जो 0 है वो हम 1s पे रखेंगे और जो 1 जो टेंस की पोजीशन पे है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करके टेंस में ऊपर ले जाते हैं कैरी फॉरवर्ड में। तो वहाँ पे हम 1 राइट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, तो टेंस का हमें एडिशन करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, 5 + 6, तो 5 + 6 मिल के हुए 1 1 11। तो 11 में हमने जो कैरी फॉरवर्ड किया था ऊपर 1, उसको भी हम ऐड करेंगे। तो 1 1 11 + 1 12, तो 1 2 12, यानी 1 2 12 का 2 जो है वो हम नीचे टेंस में रखेंगे और 1 जो उसका आया वो 100 में कैरी फॉरवर्ड करेंगे ऊपर। तो हम फिर वो 100 की पोजीशन पे राइट करेंगे। उसके बाद वही 1 जो है उसे हम नीचे लाएंगे, बिकॉज 100 में कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करना है इसलिए। एंड फिर आंसर हो जाएगा 100 की प्लेस पे, 2 tens की प्लेस पे और 0 1s की प्लेस पे। तो हम इसके कहेंगे 120। देन सेकंड में सेम है, 7 tens की प्लेस पे है, 3 1s की प्लेस पे है, प्लस 3 tens की प्लेस पे है, 7 1s की प्लेस पे है। तो सबसे पहले हम 1s वाला ही एडिशन करेंगे। तो 3 + 7 टोटल हुए 1010। तो 1010 में 0 क्या हुआ, 1s, तो हम 7 + 3 जो हमने किया उसमें नीचे आंसर में 0 करेंगे और 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड ले जाएंगे। तो 1 कैरी फॉरवर्ड में टेंस की प्लेस पे रखेंगे। उसके बाद 7 + 3 जो टेंस के हैं उसमें हम प्लस करेंगे, देन आंसर इज 10। तो 10 के अंदर जो 1 कैरी फॉरवर्ड किया उसको प्लस करेंगे तो 1 1 11। 1 1 11 जो है उसका 1 हम टेंस की प्लेस पे रखेंगे और 100 की प्लेस पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देन 100 की प्लेस का 1 कैरी फॉरवर्ड 1 करेंगे, देन आंसर इज 100 100। वेरी गुड, द आंसर इज 110। क्लियर एवरीवन, इसी अकॉर्डिंग आपको बाकी के सम कंप्लीट करने हैं टेक्स्ट बुक में। ओके।